नमस्कार, दैनिक जागृति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम किसान भाइयों को जानकारी देंगे कि टमाटर की संकर व उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं और किसान भाइयों को उनसे कितनी पैदावार मिल सकती है, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से विशेष प्रार्थना करता हूँ, यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में दिखाई देने वाले घंटे के आइकॉन को दबाना मत भूलिए। इससे आपको समय समय पर कृषि से जुड़े महत्वपूर्ण वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे, जिसमें आप अपने कृषि से जुड़ी समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं और कृषि से ही जुड़ी नई नई तकनीकियों की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं टमाटर की संकर व उन्नत किस्मों की विशेषताएं और उनकी पैदावार की। किसान भाइयों, टमाटर की अधिकतम पैदावार के लिए संकर या उन्नत किस्मों का चयन करना आवश्यक है, यानी उनमें से आप कौन सी किस्म उगाएं जो आपके लिए उपयुक्त हो। क्योंकि टमाटर की खेती एक व्यवसाय के रूप में अपना स्थान रखती है, इसका सब्जी उत्पादन में विशेष योगदान है। इसकी खेती पूरे भारतवर्ष में की जाती है। टमाटर की दो प्रकार की किस्में पाई जाती हैं, एक सामान्य उन्नतशील किस्में और दूसरी संकर किस्में, जिनको हाइब्रिड बोलते हैं। इनमें भी दो तरह की किस्में होती हैं। किसान भाइयों के लिए ये ध्यान देने योग्य बात है, एक सीमित बढ़वार वाली और दूसरी असीमित बढ़वार वाली। इसके साथ ही कुछ रोग अवरोधी किस्में भी होती हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप टमाटर की उन्नत किस्मों की उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। और यदि आप टमाटर की उन्नत खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके उसके बारे में सूक्ष्मता से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी टमाटर की पैदावार कितनी बढ़े। तो आइए बात करते हैं टमाटर की संकर और उन्नत किस्मों की। लेकिन उससे पहले मैं किसान भाइयों को एक बात बोलना चाहता हूँ या ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि आप YouTube पे अनेक वीडियोस देखते हैं, उसमें होता यह है कि वो लोग आपको बताते हैं अपनी कंपनी का ऐड करने के लिए कि इस एक टमाटर के पौधे से आप 25 किलो टमाटर लीजिए, ये है वो है। तो एक ही समय में, आप भारतवर्ष इतना बड़ा देश है, एक ही समय में यहाँ पे अनेक प्रकार की जलवायु अलग अलग जगह पर पाई जाती है। तो आप किसी के बहकावे में मत आइए, आप उसी किस्म का चुनाव कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप संकर किस्म मत उगाइए, लेकिन आप जब कोई कंपनी या फिर कोई कृषि सरकारी संस्था किसी किस्म का अनुमोदन करती है तो वो उसकी विशेषताओं के साथ अनुमोदित करती है, तो आप उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए। वो किस रोग की अवरोधी है, उसकी पैदावार क्या है, वो आपके क्षेत्र के लिए अनुकूल है या नहीं है। तो आप किसी के बहकावे में मत आइए, न ही किसी वीडियोज के बहकावे में आइए। आप अपने विवेक से ये फैसले कर सकते हैं और वही उन्नतशील किसान होता है जो अपने स्वयं के फैसले लागू करे। तो आइए बात करते हैं टमाटर की संकर और उन्नत किस्मों की। किसान भाइयों, सबसे पहले हम संकर किस्मों की बात करते हैं और वो भी सीमित बढ़वार वाली। इसमें है रेशमी, रूपाली, अजंता, पुषा, हाइब्रिड 2, मंगला, वैशाली, मैत्री, अश्वनी 22, स्वर्ण वैभव, स्वर्ण समृद्धि और ऋषि आदि प्रमुख किस्में हैं। किस्में किसान भाइयों अनेक हैं, आप देख सकते हैं अपने क्षेत्र की प्रचलित किस्म उगाइए। उसके बाद है किसान भाइयों असीमित बढ़वार वाली, अर्का रक्षक एफ, सम्राट एफ और नवीन सोनाली, लेरिका और रत्ना, ये प्रमुख किस्में हैं। इनके अलावा भी अनेक किस्में कंपनियों ने अनुमोदित की हैं, आप अपने विवेक से उनके बारे में जान सकते हैं या फिर उसके बारे में आप उस कंपनी से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है किसान भाइयों उन्नत किस्में, उसमें है इसार अरुण, पंजाब छुआरा, अर्का विकास, अर्का सौरभ, कांसी अमृत, पंत टमाटर 3, कल्याण टाइप 3, आजाद T5, आजाद T6, कांसी पुषा अर्ली, कांसी अनुपम, पुषा गौरव, पंत बिहार, इसार ललित, जिसको NT8 के नाम से जानते हैं आदि प्रमुख हैं। उसके बाद है किसान भाइयों रोग अवरोधी किस्में, अर्का रक्षक एफ, अर्का सम्राट एफ, मोहिनी, रत्ना, मीनाक्षी, मैत्री, मेनका और ऋषि आदि प्रमुख हैं जो कि रोग अवरोधी हैं। तो आप अपने क्षेत्र में कौन सा रोग अधिक है उसको ध्यान में रखते हुए भी किस्म का चुनाव कीजिए। अब बात करते हैं किसान भाइयों इन किस्मों की विशेषताएं और उनसे आपको कितनी पैदावार मिल सकती है, वो इस प्रकार है। सबसे पहले अर्का रक्षक
यह ऊंच उपज वाली एक संकर किस्म है जो टमाटर की तीन प्रमुख रोगों पत्ती मोड़क विषाणु और जीवाणु झुलसा व अगेत्य दबा प्रतिरोधी है। इसके फल चौकोर से गोल, मध्यम से बारी, 75 से 100 ग्राम दृढ़ तथा गहरे लाल रंग के होते हैं। इसके फलों का सामान्य तापमान 15 से 20 दिन तक आसानी से रखा जा सकता है, यानी किसी सामान्य तापमान पर आप इसको 15 से 20 दिन तक रख सकते हैं, जिस कारण इसे दूर दराज के क्षेत्रों में भेजने में सुविधा रहती है। इसके ताजे फलों के रूप में या फिर पन संस्करण हेतु विकसित किया गया है। इसे खरीफ, रबी व गर्मी के मौसम में उगाया जा सकता है और इसकी औसतन पैदावार किसान भाइयों को 140 से 150 दिन के चक्कर में 400 से 500 क्विंटल प्रति एकड़ तक मिल सकती है। उसके बाद है किसान भाइयों अर्का सम्राट। यह ऊंच उपज वाली एप संकर किस्म है जो कि टमाटर के तीन प्रमुख रोगों पत्ती मोड़क विषाणु, जीवाणु झुलसा व अगेत्य धब्बे के प्रतिरोधी है। इसके फल आकार में चपटे, गोल, बड़े वजन वाले 100 से 120 ग्राम दृढ़ और गहरे लाल रंग के होते हैं। इसके फलों को सामान्य तापमान पर 15 से 20 दिन तक आसानी से रखा जा सकता है, जिस कारण इसे दूर दराज के क्षेत्रों में भेजने में सुविधा रहती है। इसके ताजे फलों के रूप में बेचने हेतु विकसित किया गया है और इसे खरीफ, रबी, गर्मी के मौसम में उगाया जा सकता है। इसकी भी औसतन पैदावार 140 से 50 दिन के चक्कर में 400 से 500 क्विंटल प्रति एकड़ है। उसके बाद है किसान भाइयों सवर्ण वैभव। यह संकर किस्म है। इसके फल गहरे लाल रंग के, गोल 140 से 150 ग्राम वाले, ठोस तथा कुल घुलनशील पदार्थ 5%, दूरवर्ती बाजार तथा पन प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त और सीमित बढ़वार वाली किस्म है। बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में खेती के लिए अनुमोदित है। पहली तुड़ाई की अवधि 55 से 60 दिन है और औसतन पैदावार आपको 900 से 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त हो सकती है। उपरोक्त दोनों किस्मों में हमने पैदावार प्रति एकड़ बताया है और इसमें हेक्टेयर है। किसान भाई ये बातें छोटी छोटी ध्यान से पढ़ें। उसके बाद है किसान भाइयों स्वर्ण समृद्धि। इस संकर किस्म के फल लाल, ठोस, वजन 70 से 80 ग्राम तथा कुल घुलनशील पदार्थ 5 से 6% है। जीवाणुजम मुर्जा और अगेत्य अंगमारी रोग की प्रतिरोधी है और सीमित बढ़वार वाली रोपाई के 55 से 60 दिन बाद फल प्रथम तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। औसतन पैदावार 1000 से 1050 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में खेती के लिए अनुमोदित है। उसके बाद है किसान भाइयों दिव्या। यह टमाटर की संकर किस्म रोपाई के 75 से 90 दिन में फल देने शुरू कर देती है। यह किस्म पछेत्री, झुलसा और आंख सड़न रोग प्रतिरोधी है। इसके फल लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं और पैदावार प्रति हेक्टेयर 400 से 500 क्विंटल तक प्राप्त हो सकती है। उसके बाद है किसान भाइयों इशार अरुण, जिसको सिलेक्शन 7 के नाम से जानते हैं। यह टमाटर की उन्नत किस्म है। पुसा अर्ली, डुअर्फ व के एक के संस्करण से विकसित की गई है। इसके पौधे छोटे, पौधों पर फल काफी मात्रा में लगते हैं। इसके फल सामान्यतः लगभग एक ही समय में पकते हैं, जो मध्यम से बड़े आकार के होते हैं। यह काफी अगेत्य किस्म है। यह HS 110 किस्म के करीब 12 से 15% तक अधिक पैदावार देती है। इस किस्म की बसंत व वर्षा ऋतु में उगाने के लिए सिफारिश की गई है। उसके बाद है किसान भाइयों पुस्सा गौरव। इस टमाटर किस्म के फल चीकने, मध्यम आकार के तथा पूरी तरह लाल रंग के होते हैं। फलों का छिलका मोटा होता है, इसलिए इन्हें दूर के बाजारों में बिक्री हेतु भेजा जा सकता है। यह किस्म फल डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त है। इसे बसंत, गर्मी और खरीफ के मौसम में उगाया जा सकता है तथा इसकी औसतन पैदावार 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पाई गई है। उसके बाद है किसान भाइयों पूसा शीतल। यह टमाटर की किस्म इस टमाटर की किस्म की यह विशेषता है कि यह कम तापमान पर भी फल बना लेती है तथा इसके कारण इसकी खेती मैदानी भाग में ठंड में भी की जा सकती है। इसके फल फरवरी के अंत और मार्च में पककर तैयार होने लगते हैं। बाजार में फलों को अगेत्य भेजने से किसानों को अच्छा लाभ इस किस्म से मिल सकता है। इस किस्म के फल मध्यम आकार के तथा सुंदर लाल रंग के होते हैं। यह किस्म 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार दे देती है। उसके बाद है किसान भाइयों पूसा रूबी। टमाटर की यह उन्नतशील किस्म है। यह अगेत्य किस्म है। इसके फल रोपाई के 60 से 65 दिन में तैयार हो जाते हैं। इसके पौधे लंबे तथा थोड़े फैले, फल चपटे, गोल, मध्यम आकार एवं पकने पर लाल रंग के हो जाते हैं। फल अधिकतर रसदार और थोड़ा खट्टापन लिए होते हैं, जिसके कारण जल्दी खराब हो जाते हैं। यह किस्म रस निकालने और चटनी बनाने की
के लिए अच्छी है। उत्तरी भारत में उगाई जाने वाली यह प्रमुख किस्म है। इसकी पैदावार 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। उसके बाद है किसान भाइयों पंत बिहार। इस टमाटर की किस्म के फल पूसा रूबी के से आकर्षक तथा आकार में बड़े होते हैं। यह रूबी से अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। रोपाई के 80 दिन बाद पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। यह वर्तित सीलियम और फ्यूजेरियम मुरझाना के प्रति रोधी किस्म है। उसके बाद है किसान भाइयों इसार ललित, जिसको NT8 के नाम से जानते हैं। यह टमाटर की किस्म RBH व HS101 के संस्करण से तैयार की गई है। इस किस्म के रूट नोट नेमेटोड, जिसको जड़ गांठ सूत्रकर्मी बोलते हैं, नामक रोग नहीं लगता है। इस किस्म को ऐसे रोगग्रस्त खेतों में उपजाने पर भी औसतन पैदावार 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक मिल जाती है। उसके बाद है किसान भाइयों HS101। यह टमाटर की उन्नत किस्म है। इसके फल पूसा रूबी की अपेक्षा 10 से 15 दिन पहले पकने शुरू हो जाते हैं। फलों का गुदा कुछ मोटा होता है, इसलिए पूसा रूबी की अपेक्षा इसकी भंडारण क्षमता अधिक होती है। यह प्रति हेक्टेयर 250 से 300 क्विंटल पैदावार देती है। उसके बाद है किसान भाइयों HS102। यह टमाटर की उन्नत किस्म है। इस किस्म के पौधे बोने रह जाते हैं। फल चपटे गोल मध्यम आकार वाले तथा हल्के धारीदार होते हैं। रोपाई के 85 से 90 दिन बाद फल पकने शुरू हो जाते हैं। फलों का छिलका मोटा तथा लाल रंग का होता है। यह प्रति हेक्टेयर 250 से 275 क्विंटल तक पैदावार किसान भाइयों को दे सकती है। तो ये तो थी किसान भाइयों टमाटर की संकर व उन्नत किस्मों की जानकारी। आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगे तो हमारा वीडियो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यदि वीडियो में कोई समस्या आती है तो आप हमारी वेबसाइट पर आके इसके बारे में पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और मैं किसान भाइयों को एक विशेष प्रार्थना करना चाहता हूं, आप कोई भी किस्म अपने विवेक से चुनिए, उसके बारे में अच्छे से जानकारी इकट्ठी कीजिए और फिर आप उसका चुनाव कीजिए। किसी के बहकावे में मत आइए, क्योंकि बहकाने से आपकी पैदावार नहीं बढ़ेगी। उसके लिए आपको कृषि की पूरी शस्त्रक्रियाएं और प्रबंधन करने होंगे और उसके बाद आप उससे अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। और कोई भी किस्म एक क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं होती है, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, उसमें एक ही समय में अनेक तरह की जलवायु होती है। तो आप अपने विवेक से किसी भी किस्म का चुनाव कीजिए जो आपके क्षेत्र के लिए उपयुक्त हो और अधिकतम पैदावार देने वाली हो। और यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में दिखाई देने वाले घंटे के आइकॉन को दबाना मत भूलिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।